प्रिय छात्रों, आज हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया, उसके तीसरे पैराग्राफ, तीसरे स्टेंजा का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। His state is kingly. Do thousands at his bidding speed and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. इसमें कवि ईश्वर की प्रशंसा करते हुए, ईश्वर का जो राज्य है, जो उसका स्टेट है, जो उसकी अवस्था है, जो उसकी स्थिति है, वो राजाओं के सदृश है, वह राजशाही है, वह राजा के समान है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, और हजारों की संख्या में उसके एक आदेश पर, जो उसके द्वारा, जो उसके हजारों देवदूत हैं ईश्वर के, उसके एक इशारे पर वो गति करते हैं, चलते हैं। और एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और इतना ही नहीं, वह चाहे वो भूभाग पर चलना हो, जमीन पर चलना हो, लैंड पर चलना हो, एंड ओशन या महासमुद्र, जलराशि के ऊपर, पानी के ऊपर, वो निरंतर बिना किसी विश्राम किए, विदाउट रेस्ट, वो गति करते रहते हैं, चलते रहते हैं। और इतना ही नहीं, वो ईश्वर का जो राज्य है वो शाही राज्य है, अर्थात उसकी स्थिति राजाओं के जैसी है, और हजारों उसके जो देवदूत हैं वो उसकी आज्ञा बिना आराम किए, उसकी आज्ञा पर, उसका उसकी आज्ञा को मानने के लिए, उसका तुरंत पालन करने के लिए, चाहे वो पृथ्वी पर हो, चाहे वो समुद्र पर हो, वो उपस्थित रहते हैं, पोस्ट बने रहना, उपस्थित रहना। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और जो स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं, अर्थात वो ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं, अर्थात वो प्रतीक्षा करते रहते हैं और अपने उस स्थिति में रुके रहते हैं। इसी प्रकार वो ईश्वर के आदेशों का पालन करते हैं। तो ये रहा इस कविता का हिंदी अर्थ, और हम अब उसके अंग्रेजी व्याख्या पर जाएंगे। द पोएट फील्स दैट गॉड इज़ द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स एंड किंग ऑफ किंग्स, जहाँ पर हिज स्टेट इज किंगली का आशय है। ही इज ऑल पावरफुल, ऑल माइटी, ही हैज थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स हु आर ऑलवेज रेडी टू कैरी आउट हिज कमांड्स, दे ट्रेवल एट क्विक स्पीड ओवर लैंड एंड ओशन। देयरफॉर द पोएट सेज that the only service that man can offer to God is to wait dutifully at his feet, thus a complete submission to the will of God is the best service served to him by man. Thank you.